हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा का वर्कशीट नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 to the power 7। इसको पढ़ेंगे -13 to the power 85। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो 7 टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 एंड 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को अगर पावर के फॉर्म में लिखा जाए, मल्टीप्लाई किया गया, प्रोडक्ट लिखा गया, तो बार बार रिपीट हुआ उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है 3 to the power 7। इसमें से इस 3 को हम लोग बेस बोलते हैं और इस 7 को हम लोग पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। फिर -13 to the power 85, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -13 into -13 into -13 into ...85 times, क्योंकि इतने बार 85 टाइम्स लिखेंगे हम लोगों के कॉपी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग डॉट डॉट देके आगे लिख देते हैं। तो इसमें भी -13 जो है वो बेस हो गया और 85 जो है वो एक्सपोनेंट हो गया या पावर हो गया। तो हम लोगों का क्वेश्चन या तो प्रोडक्ट से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने आए के लिए आएगा या फिर एक्सपोनेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने आएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 का। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या है ए नंबर में, y into y into y into y, कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, y to the power 9, एंड दिस इज आवर आंसर। बी नंबर, p into p into p, हाउ मेनी टाइम्स, 21 टाइम्स। सो वी विल राइट p to the power 21। ब्रैकेट दे भी सकते हैं यहां, नहीं भी दे सकते हैं, यहां पॉजिटिव नंबर आया है तो ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं, और नेगेटिव अगर आ जाए यहां तो ब्रैकेट देना जरूरी हो जाता है। ये हम लोगों का आंसर हो गया बी नंबर का। सी नंबर, 1/2 नंबर है, इंटू ए इंटू बी इंटू बी, बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड सी इंटू सी। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2 तो लिखेंगे, ए 1 टाइम है, ए लिख दिए, पावर 1 नहीं लिखा जाता है। बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो b to the power 2 लिखें। सी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, सी लिखें। ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 2 into a into a into a into b into b into c, लिखते जाएंगे। 2 लिखेंगे सबसे पहले, ए हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, a to the power 3। बी हाउ मेनी टाइम्स, 1 and 2 2 times, b to the power 2, एंड सी 1 टाइम, सो सी। दिस इज द आंसर ऑफ डी नंबर। नाउ नंबर ई, -6 into x into y into y into z, सो वी विल राइट इट एज -6 xy square z, x 1 time y 2 time and z 1 time। नाउ नंबर एफ, -z into -z into -z into -z, हाउ मेनी टाइम्स, 4 times, सो वी विल राइट -z to the power 4। इफ यू विल राइट इन दिस वे, this is wrong. Now question number G, -a into -a, how many times, 17 times. तो क्या लिखेंगे इसको, -a whole to the power 17। H number 3x into 3x into 3x into 3x, कितने times है, 3x, कितने times है, 1 2 3 4 5, power दे देंगे 5, 3 अलग से और x to the power 5 लिखेंगे तो फिर से गलत हो जाएगा, ये सही तरीका है। नाउ नंबर 2, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट नंबर y to the power 5, इसको हम लोग लिखेंगे y into y into y, हाउ मेनी टाइम्स, 5 times, 1 2 3 4 and 5, दिस इज आवर आंसर। x to the power 19, इसको लिखेंगे x into x into x into x ...19 times। नाउ सी नंबर, 3/4 x square yz, इसको लिखेंगे 3/4 नंबर इंटू एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, 2 times, एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, y 1 time into y लिखेंगे, z 1 time into z लिखेंगे। ये हम लोग का आंसर हो गया सी नंबर। डी नंबर, a to the power 3 b to the power 2 c, a हाउ मेनी टाइम्स, 3 times, a इंटू a इंटू a लिखेंगे,
बी टू टाइम्स है तो बी इंटू बी लिखेंगे, सी वन टाइम है इंटू सी लिखेंगे, ये आंसर हो गया। नाउ ए नंबर माइनस ए टू द पावर फोर, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस ए इंटू माइनस ए, ब्रैकेट ले लेंगे, माइनस साइन, वेरी मच खतरनाक, क्या करेंगे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, खतरनाक को प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, माइनस माइनस जहां भी होगा वहां प्रोटेक्शन के लिए ब्रैकेट ले लेंगे, वन टू थ्री फोर, ये आंसर हो गया। एफ नंबर टू एक्स टू द पावर थ्री, इसको लिखेंगे टू एक्स इंटू टू एक्स इंटू टू एक्स, ब्रैकेट नहीं भी लेते हैं तो हम लोगों का आंसर गलत नहीं है। माइनस जेड टू द पावर थर्टी, इसको लिखेंगे माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड, हाउ मेनी टाइम्स माइनस जेड, डॉट 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 30 टाइम्स। नेक्स्ट माइनस सेवन पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब, क्यू टू द पावर टू आर टू द पावर थ्री, इसको लिखेंगे माइनस सेवन इंटू पी इंटू क्यू, क्योंकि क्यू टू टाइम्स है, इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ये आंसर हो गया एच नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, बोला गया राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ थ्री एक्स होल टू द पावर थ्री एंड थ्री एक्स टू द पावर थ्री, आर दे सेम, पूछा जा रहा है क्या वो सेम है ये बताना है। तो प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे थ्री एक्स होल टू द पावर थ्री, इसको पढ़ा जाता है क्योंकि हम ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर थ्री है, तो इसको हम लोग लिखेंगे थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री एक्स टू द पावर थ्री इज, इसको लिखेंगे थ्री वन टाइम इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। दैट्स ऑल, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक मेरे चैनल पर वीडियोस देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें।